बाहरी सुझाव या हेटरो सजेशन इन हिप्नोटिज्म एंड इन लाइफ, इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, हेटरो सजेशंस, हेटरो हिप्नोटिज्म, सेल्फ हिप्नोटिज्म, हिप्नो एनालिसिस, हिप्नो काउंसिलिंग, इसके बारे में डाले हुए। उसके साथ साथ मेडिटेशन के बारे में भी काफ़ी सारा बताया हुआ है मैंने पहले। आज बातचीत करते हैं कि हेटरो सजेशन जो है, जो बाहरी सुझाव जो है, वो हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट करते, प्रभाव डालते। जैसा बच्चा करीब करीब 1.5-2 साल का होता है तो उसको छोटे छोटे शब्द जो है ना, लफ्ज उसको वो आते रहते, माँ बा पा, ताता पापा मामा, इस तरह के। 2 साल का बच्चा एक छोटा सेंटेंस बोल लेता है तो उसको भाषा 1.5-2 साल के करीब करीब या उसके बाद में आना शुरू हो जाती है। मगर हम आजू बाजू के जितने भी लोग हैं वो लोग उसको सजेशंस देते रहते, उसको बोलते हेटरो सजेशंस। बच्चा जो है वो इतना सजेस्टिबल रहता है कि जो बाहरी सजेशन है वो उसको डायरेक्टली उसके अवचेतन मन में या अचेतन मन में या सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली घुस जाते, क्योंकि बच्चे को जो भी बोला उसको सच लगता है। देखो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ, कितने कॉमनली वो सेंटेंसेस आपने सुने होंगे। तुम ये नहीं कर सकोगे, तुम्हारे लिए ये बहुत कठिन हो जाएगा, तुम बहुत आलसी हो, तुमसे ये जमेगा नहीं। कितनी बार मैं आपको बताऊँ आपको समझता नहीं, कितना गधापन है ये, गधे जैसी बात करता है तू, तू इतना होशियार नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है तुम ये कर रहे हो, ज़्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं, तुम बहुत गुस्सीले या गुस्से वाले इंसान हो, तुम्हारे दिमाग में जल्दी घुसता नहीं क्या? मतलब इस तरह की बातें या इस तरह के बाहरी सुझाव बच्चों के दिल में बार 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 आते रहते हैं, बच्चों के दिमाग में बार 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 हम हैमर करते रहते हैं। वो डायरेक्टली बच्चा जो है ऑटोमेटिकली, मतलब वो हिप्नोसिस ही है उसको, नेचुरल हिप्नोटिज्म है बच्चों को, बच्चों को जो बोला था उसको सच्ची लगता है। इतने सारे नेगेटिव चीज़ें जब हम बोलते रहते, इतने सारे हेटरो सजेशन है, अभी बड़ा होने के बाद में यदि आप इसको एक्नॉलेज करेंगे, इसकी नोन करेंगे कि नहीं ये बाहरी सुझाव मेरे आजू बाजू के लोगों ने मेरे दिमाग में डाले हुए हैं, ये असली मैं नहीं हूँ, मुझे अभी चुनाव करने का अधिकार है या मैं चुनाव कर सकता हूँ कि ये जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सजेशंस अंदर घुस के बैठे हैं और एक तरह की वो मेमोरी बैंक बन के रखी हुई है, बनी हुई है, क्या अभी मैं उसके साथ या उससे प्रभावित होके मैंने ज़िंदगी जीना है, या अभी सकारात्मक सुझाव दिमाग में डाल के, बाहरी सुझाव जो है वो सकारात्मक दिमाग में बार 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 डाल के मेरा सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक करना है और वहाँ से मैंने ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स क्रॉस करने हैं। चुनाव आपका होता है, और नई बातें दिमाग में डाल के, नई चीज़ें दिमाग में डाल के, नई सूचनाएँ, हेटरो सजेशंस, बाहरी सुझाव दिमाग में डाल के हम हमारा जीवन बहुत ही अच्छी तरह से, असामान्य तरह से जी सकते हैं। इसको सजग रहो और हरदम सकारात्मक दृष्टिकोण से, सकारात्मक विचारों से अपना जीवन जो है वो आनंददायी कर लो, सफल कर लो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।